हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लाई हूँ सरसों का साग जो गरम गरम है और उस पर डाला जाए मक्खन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मक्खन इसमें पिघल रहा है और इसका टेस्ट हो जाएगा डबल। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं सरसों का साग तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिया है सरसों और पालक, दोनों साग को मैंने मिक्स करके यूज़ किया है। जो इसकी मोटी मोटी डंडी होती है सरसों की और पालक की, उन मोटी मोटी डंडियों को हम हर पत्ते में से अलग कर लेंगे, क्योंकि फिर वो गलने में उतना अच्छे से सॉफ्ट नहीं होते हैं तो वो खाने में बीच में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ मैंने दो बंडल लिए हैं पालक और दो बंडल लिए हैं सरसों। उसको अच्छे से आप 3-4 बार पानी बदल बदल के धो लें ताकि उसमें से सारी मिट्टी अच्छे से निकल जाए। और फिर हम इसको इस तरीके से मुट्ठी में पकड़ के जितना छोटा आप कट कर सकते हैं उतना छोटा छोटा इस तरीके से सारे पालक और सरसों है उसको कट कर लीजिए। पालक छोटी छोटी कटेगी तो बाद में वो घुटने में थोड़ी सी आसानी होगी उसको। और अब इन सारे कटे हुए पत्तों को हम डालेंगे कुकर में और इसमें अब मैं डालूंगी आधे से ज़्यादा ग्लास पानी, एक ग्लास। यहाँ मैंने इसमें एक ग्लास पानी डाला है और इसको अब हम ढक्कन लगा के लगाएंगे 2 से 3 सीटी। और जब 2 से 3 सीटी आ जाएगी तब हम गैस की फ्लेम करेंगे बंद और फिर उसकी पूरी भाप निकलने के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिए हैं 2 अलग अलग जगह, इसलिए क्योंकि ये अदरक 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें, 15-20 लहसुन और 1 प्याज, ये मैं लगाऊंगी तड़के के लिए। और ये 15 से 20 लहसुन की कलियाँ अब हम डालेंगे इस हमारे साग में जो अब ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो साग है वो बहुत ज़्यादा गला भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है और इसमें पानी भी है। तो इसकी हम फ्लेम करेंगे अब हाई ऑन। इसमें मैं मिलाऊंगी लहसुन जिसको मैंने बारीक कद्दूकस किया है और इसको अब हम बीच बीच में मैश करते हुए इसका जो सारा पानी है उस पानी को हमें सुखाना है। इसलिए उबालते टाइम हमेशा बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। तो आप इस तरीके से आप मथनी का यूज़ भी कर सकते हो और करछुल का यूज़ भी, इस तरीके से इसको मैश करते रहेंगे। और यहाँ मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी हुई है। तो इसको 15 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी जो है वो अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। तो इसका पानी सूखने से पहले मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मक्की का आटा। इसको मैंने भूना नहीं है, ये कच्चा ही मक्की का आटा है। इससे जो हमारा साग है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और पानी के साथ साथ ये भी थोड़ा पक जाएगा तो इसको भी हम साग के साथ मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे साग का जो पूरा पानी है वो अच्छे से सूख गया है और साग भी हमारे मैश हो गए हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम करूँगी बंद और इसमें अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। तो यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच घी। घी में लगा हुआ तड़का उसका टेस्ट ही अलग रहेगा आपके साग में। तो घी गरम हो गया है और तड़के में सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा, 3 सूखी लाल मिर्चें जिसको बीच में से तोड़ के डालें, कभी भी साबुत ना डालें, हींग, हरी मिर्ची और प्याज। इसको हम पहले थोड़ा भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। प्याज हमारे थोड़े थोड़े भून चुके हैं, अब इसमें मैं डालूंगी हमारा जो बचा हुआ लहसुन था। 2 से 3 मिनट हम लहसुन के साथ भी इसको फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम अब मैं करूंगी कम
क्योंकि यह हमारा प्याज और लहसुन भुन चुका है और इसमें अब मैं मिलाऊंगी हमारा साग। गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो चिपकने का डर रहेगा। मैंने यहाँ पे साग को अच्छे से सुखा दिया है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गीला भी रख सकते हैं। इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। बस अब इसमें हमें और कुछ नहीं मिलाना है, बस हमें इसी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा साग बनके 2 मिनट में हो गया अब रेडी। इसको आप गरम गरम मक्की की रोटी, नान, पराठा, मिस्सी रोटी, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। और अब तो मौसम आ ही गया है, लगभग साग मिलने ही लगा है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि साग और पालक गल के थोड़े से हो जाते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। मेरी ये रेसिपी है, ये 2 लोगों के हिसाब की है, इसमें 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो इसको अब मैं करूँगी सर्व और मेरी सब्जियाँ बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कुछ अलग तरीका पता हो कि इसमें हम क्या नया कर सकते हैं तो वो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि अगली किसी वीडियो में मैं आपकी कोई रेसिपी भी बना सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई रेसिपी अपने किचन में लाऊं और उसको ट्राई करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।